नमस्कार मित्रों, हूँ मोहन गढ़वी। गुजराती दुनिया यूट्यूब चैनल में फरी एक बार आप सौ मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, जून महीना में जो वरसाद घट थी ए घट जुलाई महीना में पूरी थी गई है। जुलाई महीना में अत्यार सुधी में 52% वरसाद नोधायो है। आम छतां उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के भागों में हजी सुधी वरसाद प्रमाण खूब ओछो है। जुलाई महीना में 17 तारीख पछी वरसादनो जोर घटवानो शुरू थई गयुं हतुं, पण मित्रो गई काले रात्रे थी गुजरातना घणा खरा विस्तारों में वरसादनुं प्रमाण थोड़ू घणुं वध्युं छे। 17 जुलाई पछी अत्यार सुधीमां गुजरातमां फक्त ने फक्त वरसादी झांपटा जोवा मळ्या छे, पण हवे फरी एकवार नवो वरसादनो राउंड सामान्य सिस्टमना कारणे जोवा मळशे। हवे धीमे धीमे वरसादना नवा राउंडनी शरूआत थई रही छे अने आगामी दिवसोमां फरीवार गुजरातमां वरसादनो नवो राउंड जामी जशे। तो मित्रों, गुजरात में वरसाद बीजो राउंड सारी रीते कई तारीखों में जाम से। हमना आज अने आवती काले गुजरात ना कया विस्तारों में वरसाद प्रमाण केवो रही सके छे? तो मित्रों, आवा घना बदा प्रश्नों उपर आज ना आ वीडियो में आपने खूबज विस्तारपूर्वक बात करवानी छे। माटे आ वीडियो ने छेले सुधी जोजो, तेमज तमारा बधा ज व्हाट्सअप ग्रुपों में आ वीडियो ने शेर करी नाखजो मित्रों। अने जो आ गुजराती दुनिया नामना यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया छो तो हमणा जा चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। तो चालो आजनो आ महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करिए। तो मित्रों, सौथी पहला जो आपने बीजा राउंडनी कई तारीखों में सौथी वधारे वरसाद जोवा मळशे ते विषय में बात करिए। तो मित्रों, हालना वेधर मॉडल अनुसार आगामी 24 થી 27 તારીખ दरमियान राज्य में वरसाद जोर वधारे रही सके छे। 24 થી 27 તારીખ में उत्तर कच्छना विस्तारों, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात विस्तारों में खूबज भारे जड़बंबाकार वरसाद जोवा मळशे एवी हाल में एक शक्यता रहेली छे। बीजा राउंड में जो आपणे जिल्लाओ अनुसार बात करिए तो सौ प्रथम तो संपूर्ण कच्छ जिल्लो, जेमा खास करीने कच्छना बनासकांठा लागुना जे विस्तारों छे ई विस्तारों में वरसादनुं प्रमाण वधारे रही सके छे। आना सिवाय 24, 25, 26 અને 27 તારીખ में बनासकांठा, साबरकांठा, पाटण तेमज मोरबी लागू विस्तारों में भारे थी अति भारे वरसाद की शक्यता रहेशे। आना सिवाय 24 થી 27 તારીખ में सौराष्ट्र और मध्य गुजरात में पण हळवा वरसाद की शक्यता रहेशे। दक्षिण गुजरात और दक्षिण सौराष्ट्र में सामान्य थी हळवा वरसादी झांपटा नोंधाशे, भारे वरसाद की कोई शक्यता नहीं देखाती। वरसादना पहला राउंड में उत्तर गुजरात में खाली 9 થી 10 ઇંચ जेटलो ज वरसाद नोंधायो छे। उत्तर गुजरात में हाल में सारा वरसाद की खूब जरूर है, त्यारे 24 થી 27 તારીખ में उत्तर गुजरात विस्तारों में पण सारा वरसाद की शक्यता रहेशे। हवे जो आपणे आजनी अने आवती कालनी वात करिए तो मित्रों, आजे अने आवती काले गुजरातना मोटा भागना विस्तारों में मात्र सामान्य हळवा वरसादी झांपटा जोवा मळशे। कोई कोई विस्तारों में सारा झांपटा पण आवी शके, पण भारे वरसादनी शक्यता हजी आवती काल सुधी नथी। हमणा वराप निकळता खेडूतो खेतीना कामो करी रह्या छे, त्यारे खेडूत मित्रों ने खास जणावानुं रहेशे के हवे खेतीना कामो वेली तके पतावी लेजो, कारण के फरी एक वार बहोळुं सर्क्युलेशन सर्जाशे जेना कारणे गुजरात में फरीथी भारे थी अति भारे वरसाद पड़ी सके छे। गुजरात में आवती काल थी राजस्थान थी करी अने बंगाळनी खाड़ी सुधी एक मोटू बहोळुं सर्क्युलेशन बनशे अने आ सर्क्युलेशन 24 તારીખ थी राजस्थाननी नीचे गुजरात नजीक आवशे एवी शक्यता छे, जेना कारणे गुजरात में 24-25 તારીખ थी करी अने 27 તારીખ सुधी में फरीवार वरसादनो एक नानो राउंड आवी शके एवी शक्यता वेधर मॉडल अनुसार जणाई रही छे। ग्लोबल मॉडल अनुसार बात करिए तो आ बोहड़ा सर्क्युलेशननी सौथी वधारे असर उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, कच्छ तेमज पश्चिम सौराष्ट्रना विस्तारों में रहेशे एवी शक्यता छे। तो मित्रों, आवी रीते आगामी 2 દિવસો में बंगाळनी खाड़ीमांथी वधु एक वरसादी सिस्टम गुजरात बाजू आवी रही छे, जेना लीधे हवामान विभाग द्वारा वरसाद ने लईने आवी रीतनी आगाही करवामां आवी छे। हवामान विभागना जणाव्या अनुसार आजे नवसारी अने वलसाड जिल्लाना अमुक विस्तारों में हळवाथी भारे वरसादनी पण शक्यता रहेशे। आना सिवाय गुजरातना अन्य विस्तारों में आजे कोई वरसादनी खास आगाही नथी, पण झांपटा पड़ी शके छे। तो मित्रों, आवी रीते आजे भारे वरसादनी शक्यताओ थोड़ी ओछी रहेशे, ज्यारे आवती कालथी कच्छ, बनासकांठा, गांधीनगर, भूज, अरवली, मोरबी अने सुरेन्द्रनगर आ विस्तारों में भारे थी अति भारे वरसाद पण खाबकी शके छे। भारे वरसादना पगले आ विस्तारों में आवती काले ओरेंज एलर्ट पण जाहेर करवामां आव्युं छे। आना सिवाय आवती काले अमदावाद, बोटाद, खेड़ा, जामनगर अने राजकोट में हळवाथी मध्यम वरसादना पगले येलो एलर्टनी जाहेरात करवामां आवी छे। आना पछी मित्रों, 24 તારીખે અતિભારે વરસાદની આગાહીના પગલે રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે।
આની ઉપરાંત મિત્રો બનાસકાંઠા, મહેસાણા, પાટણ, મોરબી, જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે, જેના પગલે આ જિલ્લાઓમાં યેલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, બોટાદ, અમદાવાદ, ખેડા, રાજકોટ અને પોરબંદર આ જિલ્લાઓમાં પણ યેલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। આના પછી 25 તારીખે મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, ભરૂચ, સુરત, નવસારી અને વલસાડ આ જિલ્લામાં પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે વરસાદનું યેલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। હાલમાં જે વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે એની અસર ગુજરાતમાં આગામી 27-28 તારીખ સુધી જોવા મળશે, જેમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં પહેલા રાઉન્ડની જેમ જ ખૂબ જ ભારેથી અતિભારે જળબંબાકાર વરસાદ પણ પડી શકે છે। 27-28 તારીખ પછી ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વરાપ નીકળવાની શક્યતા રહેશે, પણ 27 તારીખ પછી પણ આગામી 2 ઓગસ્ટ સુધી છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની શક્યતા રહેશે। તો મિત્રો આવી રીતે હમણાં આજે ગુજરાતના એકાદ બે વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની એક્ટિવિટી જોવા મળી શકે છે, બાકી આજે વધારે મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ક્યાંય પણ ભારે વરસાદની કોઈ શક્યતા નહીવત છે। આવતીકાલે બપોર સુધી પણ વરસાદની કોઈ ખાસ એક્ટિવિટી જોવા નહીં મળે, પણ આવતીકાલે સાંજથી અથવા રાતથી વરસાદનું પ્રમાણ વધશે। આના પછી મિત્રો 27-28 તારીખ સુધી ગુજરાતના અલગ અલગ ભાગોમાં ભારે વરસાદ પણ પડી શકે છે। હવે હું મિત્રો મારા દરેક વિડીયોમાં જણાવતો આવું છું કે વરસાદના બીજા રાઉન્ડમાં પહેલા રાઉન્ડની જેવો વરસાદ જોવા નહીં મળે, તો આ વાતની બધા મિત્રોને ખાસ નોંધ લેવાની છે। વરસાદના બીજા રાઉન્ડમાં ધીરે ધીરે બધા જિલ્લાઓનો વારો આવશે, પહેલાં એકાદ બે જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડશે, એના પછી વરસાદ આગળ વધીને બીજા એકાદ બે જિલ્લાઓને લાભ આપશે। તો મિત્રો આવી રીતે આવતીકાલથી આગામી 27-28 તારીખ સુધીમાં વારા ફરતે બધા વિસ્તારોનો વારો આવશે, જેમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ખૂબ જ અતિભારે વરસાદ પણ જોવા મળશે। હવે મિત્રો વરસાદના આ બીજા રાઉન્ડને લઈને તમારા મનમાં જે પણ પ્રશ્ન હોય અમને નીચે કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો મિત્રો, જેનાથી અમે તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકીએ। ધન્યવાદ।